हिमाचल कोविड की आई दूसरी लहर ने सरकार हो या आम जनता सभी को हिलाकर रख दिया है। संक्रमण के आगे हिमाचल के बड़े बड़े अस्पताल और उनकी व्यवस्थाएं भी छोटी नजर आ रही हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना आरंभ कर दिया है। कोविड रोगियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिए स्थायी तौर पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसा ही अस्थायी अस्पताल सोलन के राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाया गया है। यह भवन 60,000 स्क्वायर फुट में बनाया गया है जिसमें 200 कोरोना रोगियों का उपचार किया जा सकता है। इस अस्पताल को आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन ही जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया और राजेश कश्यप विशेष तौर पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, यह भविष्य में और तीव्र रूप से फिर से आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। आज प्रदेश में 5500 कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राधा स्वामी सत्संग भवन सोलन में 200 बेड के अस्पताल मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस अस्पताल का और विस्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, किसी भी तरह की असुविधा प्रदेश की जनता को नहीं होने दी जाएगी। इस अस्पताल के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा स्थान उपलब्ध करवाया गया है जिसके लिए वे उनका आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खतरा टला नहीं है, किसको मालूम है कि भविष्य में फिर जो है ये किसी न किसी रूप में और तीव्र रूप में लौट सकता है, इसलिए हमारी तैयारियाँ हमको जो है वो ठीक चाहिए। आज प्रदेश में 5,500 लोगों को कोरोना संक्रमितों को एडजस्ट किए जाने की बेड कैपेसिटी जो है हमारे पास उपलब्ध है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राधा स्वामी सत्संग व्यास का, जिन्होंने अपना ये स्थान जो है ये पंडाल समर्पित कर दिया है समाज के लिए। परौर में एक बहुत बड़ा इसी प्रकार का स्थान है, वो भी उन्होंने समर्पित किया है। सेवादार बंधु अपनी सेवा जो है यहाँ पर दे रहे हैं समर्पण भाव के साथ, भोजन की व्यवस्था इन्हीं की ओर से है। पर आपने भी देखा होगा दौरे के दौरान कि किस कदर कितना सुंदर ये अस्पताल जो है वो बना है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो जैसे यहाँ बना है, उससे पूर्व जो है नाहन जो है वो एक मेकशिफ्ट जो है वहाँ बना है, उसके बाद नालागढ़ में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ उसका निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी जो वहाँ पर निर्माण की गई है। ऊना में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है उसका जो है वो निर्माण हुआ है। परौर के अंदर इसी प्रकार की एक मेकशिफ्ट जो फैसिलिटी है वो लोगों को समर्पित है। और उसी कड़ी में ये सोलन वाली फैसिलिटी भी है। नंबर ऑफ बेड्स जो हैं यहाँ पर 200 हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो ऊना, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर के लोगों को भी ये संस्थान जो है वो एकोमोडेट करने में सक्षम है।